हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अफ़गानी खीमा, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लो खीमा है, इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करूंगी। टू टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून, नमक हल्दी ज़रूरत। इसको अच्छे से मिक्स करके हम बॉईल करने रख देंगे खीमे को, और करके हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे खीमे को। 1/2 कप इतना पानी ऐड कर रही हूँ, कवर करके इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए खीमा अच्छे से मेरा बॉईल हो चुका है। बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। नॉन स्टिक पैन लेनी है, उसके अंदर मैं 2-3 टेबल स्पून इतना तेल डालूंगी। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे हम। तो ये जो खीमा हमने बॉइल किया था वो इसमें हम डालेंगे, हल्का फ्राई कर लेंगे हम इसे। इसको हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। 3 प्याज है जिसको मैं सर अच्छे चॉप कर ली हूँ। ये 10 हरी मिर्ची है, हरी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कोथमीर है, कोथमीर को मैंने डंडी के साथ ली हूँ क्योंकि डंडी में भी इसका टेस्ट होता है। इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मेरा खीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इस पर गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब मैं अपना गैस बंद कर दे रही हूँ। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। मसाला पीस के हो चुका है। अब मैं इसी सेम जार में 1 कप दही और 1 कप फ्रेश क्रीम पीसूंगी। एक कप फ्रेश क्रीम, अब फ्रेश क्रीम की जगह पे घर में जो दूध की मलाई होती है वो भी यूज कर सकते हैं। हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं अगली स्टेप की ओर। 4 हरी इलायची, 4 लौंग है। इसके अंदर मैं अभी 1/2 कप इतना तेल डालूंगी। लहसुन की पेस्ट जल्दी से भून लेंगे इसको। ये जो प्याज, हरी मिर्ची और कोथमीर का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भून लेना है। स्पून कसूरी मेथी वो भी ऐड कर देंगे। तेल चुभने तक हमको इसे भूनना है मसाले को। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाले की पाउडर, नमक हल्के जरूरत। हमने खीमे में भी नमक डाला था तो आप उस हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इन सबको अच्छी तरह से। इसको कवर करके हम अच्छे से पकने देंगे। दूध और दही और मलाई है वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है, अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ कीमा ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो मेकिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।